बुधवार पत्रकारों पर हमला करने वाले प्रधान व उसके गुंडों की पुलिस संरक्षण में लगातार गुंडाई जारी। जब पुलिस ही गुंडों से हमसाज हो पीड़ित को थाने लाकर हवालात में डाल फर्जी मुकदमे लगा बड़ी हवेली पहुंचा दे तो फिर आम नागरिक किसके दर पर फरियाद लेकर जाए और अपने ऊपर हुए जुर्म की दास्तां किसको जाकर सुनाए। पूरा मामला यूपी वेस्ट के जनपद बिजनौर के थाना सोहारा का है, जहां का थाना पुलिस नहीं बल्कि एक नफीस नामक प्रधान चलाता है। प्रधान के गुंडे जब जिसे चाहे घर में घुसकर उसे मार दे, जिसे चाहे सरे राह मार दे है कोई मजाल की सोहारा पुलिस गुंडे प्रधान से इस बाबत कोई सवाल पूछ ले उल्टा पीड़ित को ही थाने लाकर दबाव डाल समझौता करा प्रधान को क्लीन चिट दे मामले को रफा दफा कर न्याय की हत्या कर देती है। पीड़ित अगर फैसल नहीं मानता तो फर्जी मुकदमा लगा बड़ी हवेली भेज प्रधान की मनोकामना पूरी कर देती है। स्थानीय पुलिस सरकारी सैलरी लेकर प्रधान की सेवक बनी हुई है। बात करते हैं प्रधान की ताज़ा गुंडागर्दी की, जो वायरल वीडियो में साफ देखी जा सकती है, जिसके आधार पर भी अगर पीड़ित को इंसाफ व प्रधान को सजा नहीं मिलती है तो ये सोहारा पुलिस पर से आमजन के विश्वास उठने में सहायक सिद्ध होगी। पीड़ित सोहरा पुत्र इदरीस अहमद निवासी मोहल्ला कस्बा थाना सोहारा बिजनौर का आरोप है कि 2-3 दिन पहले नफीस प्रधान ने उसके दोस्त को अपनी बैठक पर बुलाकर गुंडों के साथ मिल बुरी तरह से मारा। में किसी तरह से उसे वहां से बचा कर ले आया, जिससे गुस्साए प्रधान ने आज जब दोपहर के लगभग 3 व 4 बजे के समय में किसी दावत से खाना खाकर आ रहा था तो प्रधान की कार जिसमें उसके 8/10 साथी बैठे थे मुझे जबरन कार में डालकर मेरा अपहरण करके ले जाने लगे। मैंने उनसे अपने आप को छुड़ाने की और कार से बाहर आ गया तब प्रधान के गुंडों ने मेरे साथ खूब मारपीट की। इसी बीच मेरे परिजन भी वहां आ गए तब जाकर मेरी जान बची। अब आपको प्रधान व उसके गुंडों द्वारा पूर्व में कई गई गुंडाई की दास्तान बताते हैं। जब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा सफाई अभियान चलाए जाने की मुहिम चल रहा थी तो उक्त प्रधान के ग्राम पंचायत पितथापुर मंसूर सराय की गलियों में नाले व नालियों की सफाई न होने के चलते गंदा पानी जमा था। निकासी पूरी तरह से बंद थी। ग्रामीणों ने मीडिया के सामने अपनी परेशानी रखी, जिस पर नगर के पत्रकार बाबू अंसारी ने अपने चैनल पर न्यूज चलाई। फिर क्या था, प्रधान व उसके गुंडों ने पत्रकार को भी आज की तरह सरे राह पीटा, जिस पर स्थानीय पुलिस ने पत्रकार की तहरीर न लेते हुए प्रधान का साथ दिया। जब पुलिस पत्रकारों का दबाव पड़ा तो भी पुलिस ने दोनों तरफ से तहरीर ले। प्रधान की तहरीर में बड़ी धाराएं व पत्रकार की तहरीर में छोटी धाराएं लगा मामले का निपटारा करने को मजबूर कर दिया। दूसरा वाकया स्थानीय इमरान मंसूरी नाम के स्थानीय पुलिस पत्रकार की पिटाई का है, जो कि गांव में लगे मेले की कवरेज कर रहा था, जिसे प्रधान के गुंडे अपने गांव की एक बैठक में ले गए और सभी ने मिलकर उसके साथ भी मारपीट की। इस मामले में भी स्थानीय पुलिस प्रधान व उसके गुंडों का पूरी तरह से बचाव करती दिखाई दी और आखिर में प्रधान से माफी तलाफी करा मामला निपटा दिया। प्रधान की गुंडाई हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में भी सभी ने देखी, जिसमें प्रधान पद के अनुमानित दूसरे उम्मीदवार व उसके समर्थकों पर नफीस प्रधान ने पुलिस से सेटिंग कर अपने गुंडों पर हमला करने का आरोप लगा जेल भिजवा दिया था। हालांकि कि चुनाव में जनता ने गुंडे प्रधान को नकार तीसरे उम्मीदवार को इस बार प्रधान बना। राजनीतिक ताकत तो नफीस से छीन ली पर फिर भी पूर्व प्रधान की गुंडाई जारी है। बाइक सोहरा पीड़ित। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा मोहम्मद सोहरा। आपके पिताजी का नाम? कहाँ के रहने वाले? जी मैं मोहल्ला कस्बा सोहरा। क्या घटना हुई आपके साथ? सर घटना ये हुई, नफीस प्रधान है पूर्व प्रधान और उसके गुंडे जो है वो बहुत सबको बदमाशी करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, तमाम वो करते हैं। हुआ ये था, मसला ये था, मेरा कोई कसूर नहीं था। उन्होंने परसों एक लड़के को, मेरे दोस्त को, बंद करके बैठक में बहुत मारा था। मैं सिर्फ उसे बचा के ले आया, ये कसूर मेरा था। तो उन्होंने आज मुझे पूरी बिलोरों में बिठा के, उसे उन्होंने 8-10 लोंडे ने मुझे ज़बरदस्ती बिठाया और अपहरण करने की फुल कोशिश की। मैंने बहुत कोशिश की, फिर मोहल्ले वालों ने आके थोड़ा मुझे बचाया। जब जब कौन कौन थे उनका नाम है? इसमें एक नफीस प्रधान था और एक ये था नौशाद, एक छज्जू, एक फयाजू और एक सिकंदर और अन्य बहुत सारे थे, कम से कम एक राशिद है। बहुत सारे। कितने समय की घटना है, कहाँ की घटना है? 3:30 बजे की। मैं अपने फ्रेंड, अपने रिलेशन में से, मेरी दावत थी, मैं वहाँ से खाना खा जा रहा था। उन्होंने आते ही मुझे मेरे सामने बिलोरो रोकी अपनी फोर व्हीलर और 10-15 लोंडे, उसमें 8-10 लोंडे उतरे और कुछ इधर सारी 20-25 हो गए, मुझे उठा के ले जा रहे थे, मारा बहुत। फिर मुझे जब मैं अधमरा हो गया तो मुझे गाड़ी में डाल के ले जा रहे थे। वो मेरे परिजन आए थे, उन्होंने रोका तो वह भाग गए सबको।